तो इस तरह से दोस्तों इसे इंस्टॉलेशन करना है इस तरह से लाइन देखिए कितना वाइज घुमाते हो टोटी को तो हॉट की तरफ है एंटी क्लोग वाइज घुमाते हो तो कोल्ड की तरफ है बीच में रुक जाती है इलेक्ट्रिक दी तो पाँच से छः सेकंड में ही इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा सिर्फ आपको पाँच से सात सेकेंड ही लगेगी आपका वाटर 25 से 50 डिग्री में ही कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों इसे इंस्टॉलेशन करना है इस तरह से लाइन देखिए कितना ज्यादा वेलकम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों ये मेरे सामने जो आप इंस्टेंट वाटर गीजर टैप देख रहे हैं यह है एक ऐसा वाटर गीजर है दोस्तों आप इसे तुरंत ऑन करेंगे तुरंत ही वो गर्म पानी आना शुरू हो जाता है मतलब आपको ऐसा नहीं है कि चलाना है वेट करना है तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अभी इसको ओपन करते हैं प्राइस की अगर बात करी जाए तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको प्राइस बता देना चाहता हूँ ये ग्यारह सौ में मुझे मिली है और साथ ही साथ दोस्तों इसका डिलीवरी चार्ज मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा है ये मैंने एवन सोल्यूसन व्हाट्सअप बिजनेस नंबर से खरीदा है जैसे आप ऊपर डिस्प्ले पे जो नंबर दिखाई दे रहा होगा वहाँ से आप इसे खरीद सकते हो टोटल व्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा चलिए दोस्तों पहले खोलते हैं ये इंस्टेंट गीजर मिला है साथ ही साथ यूज़र मैनुअल यूज़र मैनुअल से आप सारा कुछ समझ करके देख सकते हैं और नो टाइप के आते हैं मतलब जैसे इसमें टाइप आप इमेज में देख रहे हैं यूज़र मैनुअल में सबसे पहले पेज पर और दूसरे पेज पे इस तरह तरह के आते हैं और यूज़र मैनुअल में इसकी सारी स्पेसिफिकेशन फाइव स्टार है 220 वोल्ट पे एसी पे चलता है इलेक्ट्रिक है और दोस्तों ये 3000 वाट का है तो दोस्तों आप इसमें सोलह एम्पेयर का सॉकेट का यूज़ करें और साथ ही साथ दोस्तों इसमें अर्थिंग हो प्रॉपर इसे जब यूज़ करें आप उस लिए बिल्कुल सेफ़ है वैसे बिना अर्थिंग के भी सेफ है लेकिन सेफ्टी जरूरी है दोस्तों तो वाटर का फ्लो दोस्तों यहाँ से होता है और ये हमारा दोस्तों हॉट एंड कोल्ड के लिए है तो एक तरफ करेंगे तो हुट की होट की तरफ लिखा जैसे हॉट लिखा है तो वहाँ हॉट करेगा जैसे कोल्ड लिखा है तो कोल्ड वाटर देगा ठीक है मिक्स वाटर नहीं देगा ये हॉट या तो हॉट देगा या कोल्ड देगा ठीक है ये इसका आउटलेट पाइप है यानी कि जहाँ से पानी बाहर निकलता है इसके अंदर से चलिए दोस्तों मैं आपको इसे प्रॉपर आप सबको दिखा देता हूँ फिर आपको इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए जैसे हमारे पास ये सिंक है या आप किसी रसोई में लगाने का भी सिंपल तरीका है तो यहाँ से पहले आपको नीचे का वाल बंद कर लेना है पानी की सप्लाई बंद कर लेनी है उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे टोटी लगी हुई है टंकी की इसे आपको आराम से इजी तरीके से खोल लेना है जैसे अभी आपकी खुलती है या इंस्टॉलेशन वाले को बुला सकते हैं सौ से डेढ़ सौ रुपये लेगा इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा ठीक है आराम से इजी टू इंस्टॉलेसन है आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं घर पे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है तो यहाँ से इस तरह से आप में टोटी को खोल लीजिए मतलब एंटी एंटीक्लो वाइज घुमा करके जैसे खोलते हैं और फिर आपको यहाँ पे इंस्टेंट गीज़र को लेना है इसके साथ यहाँ पे जो पेच वेच कसने के दिए होते हैं एक रबड़ बैंड दिया गया तो वो सेट है पूरा आपको कुछ भी अलग से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लाओ वो लाओ कुछ नहीं लगाना आपको इस तरह से आपको जो रबड़ मिलती है जो आपकी पुरानी टोटी में वारसन निकला है आप इसे लगा सकते हैं या ना भी लगाएं तब भी चलेगा तो हमने यहाँ पे लगा दिया है हमारे पास है नहीं है तो भी चलेगा तो आपने इस तरह से ये डिस्प्ले जो है आगे की तरफ रखनी है ये जो डिस्प्ले है ये ब्लैक कलर का जो एरिया नीचे दिख रहा है इस तर, आगे की तरफ रखना है आगे तरफ रखने के बाद नीचे से आपको इस तरह से ये स्क्रू जो मोटे वाला स्क्रू दे रखा है इसको क्लॉग वाइज यहाँ घुमाते हुए कस देना उसके बाद ये पाइप की जो लाइन है इसको भी आपको लगा देना है और याद रहे दोस्तों वहाँ ही पर यह काम करेगा जहाँ पे आपके पानी का प्रेशर अच्छा हो अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा ही लो होगा तो ये दोस्तों वर्क नहीं करेगा ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं ठीक है ना तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपको इस पाइप को लगा देना हल्का हल्का हादसे से मूवमेंट करोगे तो रबड़ अंदर की तरफ जा करके इस तरह से कैप को कस देना है ठीक है इसके ऊपर जो है कैप लगी होती है क्लॉकवाइज कसना है इसको ठीक है यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट से कस देना हाथ से कसना किसी भी औजार का इसमें आपको यूज़ नहीं करना है बेफिक्र रहिए क्योंकि ये नॉर्मल आइटम होते हैं इतने हैवी आइटम नहीं होते कि से आप औजारों से कसो तो वो उसमें टूटने का खतरा रहता है तो ये लग करके पूरा फिट है और यहाँ से ये जो पानी की सप्लाई है इसको ऑन कर लेंगे जब पानी की सप्लाई ऑन कर लें तो हॉट या कोल्ड पे इसके थोड़ी देर ऐसे चला के रखें बिना इलेक्ट्रिक दिए जब इसके अंदर यहाँ पानी आ जाए देखिए इस तरह से इसकी सारी गैस निकल जाएगी उसके अंदर पानी आ जाएगा तब इसे आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक दे करके तो यहाँ से इसे बंद कर लेना है और आपको दोस्तों देख लेना है दोनों तरफ ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो दोनों तरफ घुमाओगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा एक तरफ नॉर्मल पानी आएगा एक तरफ हॉट वाटर आएगा हॉट वाटर तब आएगा जब इसे हॉट की तरफ घुमाओगे उसमें इलेक्ट्रिक मौजूद होगी तो जैसे आप क्लोगवाइज़ घुमाते हो टोटी को तो हॉट की तरफ है एंटी क्लोगवाइज़ घुमाते हो तो कोल्ड की तरफ है बीच में ये रुक जाती है ठीक है तो दोस्तों वर्क तभी करता है जब होटिंग इसमें जब इलेक्ट्रिक इसके अंदर मौजूद हो तो चलिए दोस्तों इसे इलेक्ट्रिक में लगाते हैं तो पहले नॉर्मल सा पानी आपका प्रेशर खोल के दिखाते हैं होट की तरफ नॉर्मल प्रेशर तो हमने यहाँ पे प्लग में लगा लिया है हमारे पास फ़िलहाल छोटा बोर्ड है हमने छोटे में लगाया है आप बड़े बोर्ड में यूज़ करें इसको जो सोलह एमपेयर वाला सिस्टम होता है देखिए ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस वहाँ पर डिस्प्ले पर आ चुका है बड़ी डिस्प्ले दी हुई है इसके अंदर और जैसे ही आपका आपने इलेक्ट्रिक दी तो पाँच से छः सेकंड में ही इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा सिर्फ आपको पाँच से सात सेकंड ही लगेगी आपका वाटर पच्चीस से पचास डिग्री में ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे जो ये वायर आई हुई है काफ़ी दूर से आई हुई है तो वायर दोस्तों काफ़ी बारीक है इस वजह से दोस्तों ये थोड़ा धीमे काम कर रहा है अगर हम इसे डायरेक्ट बोर्ड में लगाते हैं मेन लाइन जो अगर आ रही है तो बिल्कुल बढ़िया पाँच सेकेंड में ही परफेक्टली काम करेगा तो फिर भी इसके अंदर काफ़ी हॉट वाटर आ चुका है देखिए 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कोल्ड वाटर आ रहा था तो यहाँ पे कम से कम 16-17 डिग्री का टेम्परेचर था वो तो दोस्तों देखिए अभी कितनी जल्दी इसने 37 डिग्री सेल्सियस पे 38 मतलब बढ़ते जा रहा है जब एक इसका निश्चित तापमान आ जाएगा कि इससे ज़्यादा सहनशीलता नहीं तो अब ऑटो कट हो जाता है ठीक है ना जैसे आप इसे बंद करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक कट बंद हो जाता है मतलब फिर आपका ओवर हीट नहीं करेगा और पानी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो इस तरह से दोस्तों इसे इंस्टॉलेशन करना है इस तरह से लाने देखिए कितना ज़्यादा हमने काफ़ी देर तक ये चलाया तो बहुत देर तक भी पानी गर्म का गर्म ही निकला मतलब गर्म भी निकलता रहा अगर ठंडा पे तरफ के हो तो ठंडा भी चल जाएगा तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से काम कर तो दोस्तों पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में बता दिया गया है साथ ही साथ दोस्तों बता देना चाहता हूँ इसको कैश ऑन डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं है सौ परसेंट पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है जो आपको नंबर दे रखा है नंबर पे जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं थैंक यू